नमस्कार, ताप्ती अर्जुन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले के मुख्य समाचार। बैतूल, ट्रक की टक्कर से दो युवक हुए गंभीर रूप से घायल। मामला चिचोली ठाणे का, जहां ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से हुए घायल। जिला अस्पताल में चल रहा है दोनों का उपचार। शाहपुर, दबंग ने बुजुर्ग को पीट कर किया घायल। शाहपुर के मंडई बुजुर्ग का मामला, पुराने विवाद को लेकर दबंग ने बुजुर्ग को पीटा। जिला अस्पताल में कराया भर्ती। बैतूल, बडोरा सब्जी मंडी में अभी भी उमड़ रही है लोगों की भीड़। नहीं रखा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। एक ओर जहां उमड़ रही है लोगों की भीड़, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा में लगे गार्ड कर रहे हैं पर्ची की वसूली। बैतूल, फॉरेस्ट बैरियर पर पुलिस और नगर पालिका प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। बिना मास्क पहने वाले वाहन चालकों पर की कार्रवाई, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को दी समझाइश। बैतूल, बडोरा चौक पर पुलिस का वाहन चेकिंग अभियान। बैतूल पुलिस ने की वाहनों के कागजात चेक करके चालानी कार्रवाई। वाहनों के कागजात पूरे नहीं होने पर लगाया जुर्माना। आमला, पैराडाइज स्कूल परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन। आमला की जनसेवा समिति ने शिविर को कराया आयोजित। करीबन 60 लोगों ने किया रक्तदान। आमला, मोरडोंगरी निवासी युवक की धारदार हथियार से हुई थी मौत। अज्ञात लोगों ने सड़क के किनारे फेंका था शव। आमला पुलिस ने आमला अस्पताल में कराया पोस्टमार्टम। बैतूल जिले की कोरोना अपडेट। 77 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिसमें बैतूल से सर्वाधिक 32 लोग और मुलताई से मात्र 3 लोग कोरोना पॉजिटिव। कल 113 मरीजों को किया गया था डिस्चार्ज। बैतूल, रवि विपणन वर्ष 2021 में चना फसल सपोर्ट प्राइम स्कीम के अंतर्गत उपार्जन अब 5 जून 2021 तक होगा। चिचोली, प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने चिचोली के कोविड केयर सेंटर का किया निरीक्षण। कोरोना संक्रमण के उपचार संबंधी व्यवस्थाओं की ली जानकारी, साथ ही चिकित्सकों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बैतूल, प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने खेड़ी सावलीगढ़ की रजनी को करवाया मुख्यमंत्री कोविड 19 सहायता योजना में शामिल। जिले की पहली हितग्राही को मिलेगा कोविड सहायता योजना का लाभ। ग्राम मासोद में सामाजिक जन जागरण अभियान मुलताई के द्वारा रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। घोड़ा डोंगरी, ग्राम जांगड़ा का मामला। जांगड़ा में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी से की मारपीट। सारनी पुलिस ने घायल पत्नी का घोड़ा डोंगरी अस्पताल में कराया मेडिकल। धाराखो घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के बीच युवक ट्रेन से टकराया। दोनों रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक के किनारे से चल रहा था युवक। घायल युवक को जिला अस्पताल के लिए किया गया रेफर। भैंसदेही, नगर परिषद वार्डो और घरों में जाकर कर रही है घरों को सैनिटाइज। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घरों और वार्डों में जाकर मशीनों से घरों में किया जा रहा है सैनिटाइजर का छिड़काव। आठनेर, पुलिस विभाग द्वारा कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर की जा रही है चालानी कार्रवाई। आठनेर के मुख्य बस स्टैंड चौराहे पर काटा गया लोगों का चालान। आठनेर में पीड़ितों ने की मुआवजे की मांग। ग्राम पंचायत मानी के ग्राम धारुल में चक्रवाती तूफान से कच्चे मकान हुए क्षतिग्रस्त। धोखाधड़ी के आरोपी अमित राका की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। आरोपी को रायपुर से बैतूल लाने वाले
4 पुलिसकर्मियों को एहतियात के तौर पर किया गया क्वारंटीन। बैतूल, प्रभारी मंत्री ने कहा, निजी अस्पताल यदि अधिक शुल्क ले तो करे शिकायत, दोषी मिलने पर होगी कार्रवाई। मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।